के मिलकर जालिमों के खिलाफ इस आंदोलन की धरती में हम इकट्ठा हुए हैं। तो आज मुझे ये आप लोगों ने सबूत दे दिया है कि ये बिल को जाकर खुले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इस्लाम धर्म की स्थापना यानी शुरुआत कब हुई और आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात और बाबरी मस्जिद के बारे में भी करेंगे और NRC नागरिकता बिल के बारे में भी करेंगे और इस शुरुआत, इस सरकार की शुरुआत के सच्चाई के बारे में भी करेंगे, इस सरकार के बारे में भी करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे। जैसा कि आप सभी समझदार लोग जानते हैं कि इस कायनात का मालिक एक है और वो जिंदा है, वो लाफानी है, कभी ना मिटने वाला, ना उसकी शुरुआत है ना अंत है, और बाकी उसके अलावा हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है। जो चीज़ उसकी पैदा की हुई है कायनात में, हर चीज़ उसको मरना मिटना है। अब उस अल्लाह के नाम अलग अलग हैं और उसने इस कायनात को इंसान और जिन्नात के इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए बनाया है। तो ये दुनिया अल्लाह की तरफ से इम्तिहान की जगह है, फैसले की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह है। इसलिए हम देख रहे हैं दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, इसलिए जुल्म जास्ती दुनिया के अंदर हो रही है और सही इंसाफ नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर पे लोग इस सरकार में देख भी रहे हैं कि कैसा इंसाफ हो रहा है, जुल्म जास्ती हो रही है। अब अल्लाह ने हमें ज़मीन और आसमान के बीच कैद कर रखा है और हमारा इम्तिहान ले रहा है और कायनात का सिस्टम कुछ ऐसा बना रखा है कि इंसान इंसानों को मार करके मिट्टी में ला देता है अल्लाह ताला। अच्छा, मर के ज़िंदा होना हमें मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो एक ऐसा अजीब गरीब बादशाह है कि उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो अल्लाह के लिए ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो वो सबका इम्तिहान ले रहा है दुनिया के अंदर। जब पेपर होते हैं उस वक्त रिजल्ट नहीं मिलता, पेपर होने के बाद, टेस्ट होने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं, हमारे पेपर हो रहे हैं, अच्छाई बुराई में डालकर अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। दोनों रास्ते हमारे सामने खोल दिए हैं और जब आप हमारा चैनल पर लगातार देखेंगे तो हमने हर तरह का ज्ञान उसमें बताया है। दोनों रास्ते हमारे सामने खोल दिए हैं और दोनों का हमें इख्तियार दिया। हमें दुनिया में दिल से ज़िंदगी जीने की अल्लाह ने आज़ादी दी है, हर चीज़ पर उसी का कब्जा है। मौत, जब तक हमारी मौत नहीं आ रही, हमारे पेपर चल रहे हैं, और मौत के बाद फिर हमें रिजल्ट मिलेगा।
जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसे ही बदला मिलेगा। तो अच्छे इंसान के लिए ठिकाना क्या है? जन्नत, बेहतरीन जीवन, हमेशा का जीवन, जिसके शौक हमारे अंदर अल्लाह ने पैदा रखे हैं कि हमें कभी मौत ना आए, कभी दुख तकलीफ ना आए, तो वो जन्नत में होंगे या नहीं है, वो इसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और बुरे इंसान का ठिकाना रखा अल्लाह ने जहन्नुम। अब शैतान को ये इख्तियार दे दिया है कि हमारे दिल के अंदर गलत ख्याल पैदा करे। अच्छे ख्याल भी आते हैं, अच्छे ख्याल अल्लाह की तरफ से आते हैं, बुरे ख्याल शैतान की तरफ से आते हैं। तो जो इंसान शैतान के ख्यालों पर चलेगा धरती पर फसाद फैलाएगा, अल्लाह ने जो रचना बनाई है उसका उल्टा करेगा, बुराई को पसंद करेगा, अच्छाई को ना पसंद करेगा, वो नरक की आग में जाएगा, जहन्नुम की आग में जाएगा। तो इस बात से ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला जो हमारा पैदा करने वाला है वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, ये दुनिया उसकी तरफ से इम्तिहान की जगह है। अब दूसरी बात, हम जो पहले शुरू में हमने बात करी थी कि इस्लाम की स्थापना कब से हुई, इस्लाम की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखें इस्लाम की शुरुआत शुरू से है, जब से कायनात बनी है जबी से है। तो इस्लाम का मतलब क्या है? जिसने हमें बनाया है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना और मुस्लिम बन जाना। मुस्लिम का मतलब क्या है कि जिसने हमें पैदा किया है अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पे आ जाना, उसके हुक्मों पे चलना। तो लिहाजा ज़मीन को उसी अल्लाह ने पैदा किया है, ज़मीन मुस्लिम है, उसकी अल्लाह का हुक्म मानती है। सूरज मुस्लिम है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। आसमान मुस्लिम है, उसके हुक्म पर चलता है। हवाएं मुस्लिम हैं, कायनात की हर चीज़ मुस्लिम है, लेकिन इंसान को छूट दी है, इसे फ्री विल दिया है, इसको जो है दिल से दुनिया में ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी है कि तू मुस्लिम बन या ना बन तेरी मर्जी है, दोनों रास्ते तेरे सामने कर दिए हैं, चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर। तो संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ने हर ज़माने में समझाने के लिए अपने नबी पैगंबर भेजे हैं, और ऐसी कोई कौम नहीं है, लिकुल्ली कौम इन हाथ, जिस कौम में समझाने वाला अल्लाह ने ना भेजा हो कि लोगों दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, मौत के बाद असली जीवन है, जैसे तुम कर्म यहाँ करोगे वैसे तुम्हें वहाँ भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा तबाही वाली, बर्बादी वाली नरक की आग से, जहन्नुम की आग से बचो, और हमेशा की जन्नत की कामयाबी की मेहनत करो, जो हमेशा का जीवन है उसकी तैयारी करो। हर नबी इस खबर को लेकर आया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसी के आगे सर झुकाओ, और अपनी जो मनोकामना है, अपनी जो दुख है तकलीफ है, उसी को सुनाओ, उसी से मांगो। जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है, याद रखना, उसका कानून भी सबके लिए एक ही है, और वो है इस्लाम। इस्लाम शुरू से है, इस्लाम ऐसा नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ही शुरू हुआ है, इस्लाम दुनिया कायनात में शुरू से ही है। अब इसी तरीके से हम देखें जो मुसलमान हैं, अब क्योंकि दुनिया, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ पैदा कर दी है लेकिन खुद नहीं दिखाई दे रहा, मौत के बाद की ज़िंदगी नहीं दिखाई दे रही, जन्नत जहन्नुम नहीं दिखाई दे रही, इसलिए जो है लोग अंधे बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इम्तिहान किस चीज़ का है भाई, इम्तिहान में प्रश्न दिए जाएं, उत्तर ना दिए जाएं, उत्तर से इंसान अंधा रहे, उत्तर खुद दे वो, है नहीं, अपनी समझ के साथ। अल्लाह ने हमें अकल दे दी है, दुनिया में क्या है, सब प्रश्न ही प्रश्न है, ये दिन निकल रहा है, रात हो रही है, हवा चल रही है, सूरज निकल रहा है, लाखों इंसान पैदा हो रहे हैं, लाखों इंसान मर रहे हैं। अब जो इंसान अकल का इस्तेमाल करके यहाँ उत्तर ढूंढे कि यार इतनी बड़ी कायनात, ये बेकार नहीं चल रही, चला रहा है इसको कोई चला रहा है, और अच्छाई से अच्छाई बुराई से मिलाकर संसार को बनाया है, और अच्छाई बुराई में हमें डाल दिया है, हमें अकल दे दी है, तो लिहाजा वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, यहाँ सबका इम्तिहान ले रहा है वो। तो इंसान उत्तर खुद ढूंढे, और उत्तर ढूंढ कर अल्लाह की खोज करे, जब अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह का वादा है, जब मेरी राह में तकलीफ उठाएगा तो मैं तेरी हिदायत का फैसला कर दूंगा, तुझे अपनी सच्ची राह दिखा दूंगा, मैं होश में ले आऊंगा, अपने ज्ञान की रोशनी में ले आऊंगा, फिर तुझे मैं अंधेरे से निकाल लूंगा बाहर। तो इसी प्रकार से जब हम गौर करते हैं तो इंसान की जो सोच है, वो फितरत जो है वो ये है कि दिखने वाली चीज़ पर यकीन करता है, बेदिखने वाली चीज़ पर यकीन नहीं करता। और कुरान में सूरह बकरा में ये बात कही गई है, अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसकी खबरों पर, है ना, गैब का मामला आ गया, जो बिन देखने वाली चीज़ है वो गैब है, जो चीज़ दिखती नहीं है वो गैब, अल्लाह दिखता नहीं वो गैब है, ईमान लाते यकीन करते हैं, और अल्लाह के हुक्मों पर, जो अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत और जहन्नुम के मौत के बाद ज़िंदगी है, तो अब बिन देखे ईमान लाना, इसी का नाम ईमान है। तो अब इंसान की फितरत है कि वो दिखने वाली चीज़ पर यकीन करता है। अब मुसलमानों का हाल दुनिया में क्या है कि ये अपनी दुनिया सजाने में लग गए, जो काम गैर मुसलमानों के हैं, जो इस्लाम को मानते ही नहीं, जो मौत के बाद ज़िंदगी मानते ही नहीं, बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा गए इस टाइम जो है मुसलमान बदतर हो गए, दुनिया सजाने में लग गए,
दुनिया परस्ती में लग गए, अल्लाह को भूल गए। समझ में आ रही है बात? अल्लाह को भूल गए। जबकि मुसलमानों का काम हमेशा से ये रहा है दुनिया में कि इस खास तौर पे इस उम्मत पर, पहले तो नबी आते रहे, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो इसलिए इस उम्मत पर अल्लाह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे दीन हक को फैलाओ। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज है कि वो इल्म को हासिल करे और उसे गैरों तक पहुँचाए। क्यों फ़र्ज किया है? क्योंकि ये जरिया है हिदायत का। जब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की खोज के लिए इंसान तकलीफ उठाएगा, अल्लाह का इल्म हासिल करेगा जहाँ से मिलेगा, पहले इल्म क्या है? तौहीद का, शिर्क से पाक होना। अल्लाह का इल्म हासिल करेगा, अल्लाह के लिए तकलीफ उठाएगा, तो अल्लाह उसे हिदायत देगा, फिर अपने इल्म की रोशनी में लाएगा, अंधेरे से निकालेगा। ये है मेन मुद्दा। तो अल्लाह का इल्म हासिल करे, और जब इल्म हासिल करेगा तो होश में भी आएगा, जब होश में आएगा अल्लाह की खोज करेगा तो सही सच्चाई को समझ लेगा, जान लेगा, जब जान लेगा तो इंशाल्लाह अमल भी जिंदा करेगा, गफलत के अमल ना होंगे, और फिर उसे गैरों तक पहुंचाएगा। क्योंकि अल्लाह को हमने देखा नहीं, मौत के बाद की ज़िंदगी देखी नहीं। इस्लाम की सारी बातें बिल्कुल सच हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी दिख नहीं रही, अल्लाह दिख नहीं रहा, तो ये बोल हमें अपनी जबान से बोलने पड़ेंगे। इल्म हासिल करके लोगों में अल्लाह की तारीफ के बोल बोलने पड़ेंगे हमें, तब अल्लाह ताला हमें जगाएगा और होश में लाएगा। आज हम देख रहे हैं आम तौर पे मुसलमानों को कि ये अपनी दुनिया बनाने में लग गए, दुनिया सजाने में लग गए। असल में हम देखें जो गैर मुसलमानों ने, तो उन्होंने तो इनकार ही कर दिया इस्लाम का, वो तो मानते नहीं मौत के बाद ज़िंदगी, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं अपना, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी पर आए ही नहीं। लेकिन ये अल्लाह के सच्चे पैगाम को मान कर भी, कलमा पढ़ कर भी, और मान रहे हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी दुनिया में भटक गए बुरी तरह से, क्योंकि नस्ल की नस्ल चली आ रही है। आज की पीढ़ी भटक गई अल्लाह के दीन से, और जबकि इन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ये अल्लाह का इल्म हासिल कर कर और पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, अल्लाह का इल्म पहुंचाएं, अल्लाह का सच्चा ज्ञान पहुंचाएं। मगर ये उम्मत भटक गई, और यहाँ तक के बड़े बड़े समझदार भटक गए सब, खास तौर पर, आम तौर पर चंद लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। अब जब ये उम्मत भटक गई तो आपको तो मालूम है अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, सारी व्यवस्था को वही संभाले हुए है, जिंदा है, सबको संभालने वाला है, अल हय्युल कय्यूम है, तो उसने दुनिया बनाई है इम्तिहान के लिए। अब जब ये जो लोग मान गए अल्लाह के हुक्म को वही सो गए, तो फिर क्या होगा? जबकि इनका काम था कि धरती पे से बुराई को मिटाएं, जब तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू ही माबूद है, तू ही बादशाह है, तेरी आगे सर झुकाएंगे, तेरी आगे नमाज पढ़ेंगे, और तू ही सच्चा बादशाह है, तेरी हुकूमत दुनिया पे गालिब करेंगे, तेरी हुकूमत कायम करेंगे, तेरा कानून धरती पे से जुल्म को मिटा देगा, ये काम हमारा था। लेकिन हम इस काम को भूल करके और हम दुनिया में सजाने में लग गए, दुनिया बनाने में लग गए। अल्लाह को ये चीज़ नापसंद है, याद रखना। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जिंदगी को जो समझा फिर जिंदगी पर रोता है, याद रखना। जो दुनिया परस्ती में लग जाएगा, अल्लाह को भूल जाएगा, कसम खुदा की अल्लाह उसकी दुनिया बखेर देगा। क्या करेगा? दुनिया बखेर देगा, याद रखें इस चीज को। तो अब मुसलमानों ने ये काम किया नहीं, अल्लाह की हुकूमत कायम की नहीं, तो फिर क्या हुआ कि जो इंसानों में से शैतान हैं, जो इंसानों में से शैतान हैं, अल्लाह की बनाई हुई रचना को बिगाड़ने वाले हैं, बुराई पर चलने वाले हैं, जिनका धर्म जुल्म फैलाना है, जास्ती फैलाना है, फसाद फैलाना है, कत्लो गारत करना है, क्या हुआ कि अल्लाह ने उनको फिर ढील दे दी। जब ढील दे दी तो अब अल्लाह ताला जो मुसलमान दुनिया में, दुनिया सजाने में लग गए, दुनिया में मगन हो गए, अब अल्लाह उनकी दुनिया बखेर देगा, याद रख रहा। तो इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, कि आज जो है हमारी दुनिया बिखर रही है। मैं लोगों से रात दिन समझा रहा हूँ, अरे भाई दुनिया पर से इस कदर ध्यान से भटक गया मुसलमान, ध्यान से भटका असल में, तो अल्लाह से ध्यान हट गया, दुनिया पर लग गया। अब जिधर को ध्यान होगा उधर ही फिक्र होगी, और फिक्र से सारे काम होते हैं। दुनिया पर ध्यान है, दुनिया की फिक्र है, चलते बैठते उठते सोते जागते दुनिया की फिक्र है सिर्फ, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं है। तो अल्लाह की तरफ जो नमाज है वो गफलत की, कुरान पढ़ रहे हैं बिना समझे, नमाज पढ़ रहे हैं बिना समझे, दिखावा पूरा,
कि साहब बहुत बड़े दीनदार हैं, अंदर से जो है अंदर से इस ईमान से खाली हैं, इस्लाम से खाली हैं, दिल इस ईमान से खाली है। और फिर हर इंसान अपनी अकल की तेज़ी दिखाता है, अल्लाह के सामने मोहताज नहीं बनता, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं होता, अल्लाह का मोहताज बनकर अल्लाह का इल्म हासिल नहीं करता, कुरान को समझ के नहीं पढ़ता, इस्लाम को समझ के नहीं जानता, सही समझ के साथ गौर नहीं करता। जो लोग इस्लाम को सही तरीके से समझते हैं, कुरान मजीद को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस उम्मत को ज़िंदा कर, इस उम्मत को ज़िंदा कर, ये उम्मत सो गई, ये उम्मत दीन की तरफ से मर गई, ये उम्मत ध्यान से भटक गई, लोग सुनते ही नहीं हैं अल्लाह की बात, या अल्लाह इस उम्मत को ज़िंदा कर। तो भाई इसीलिए हम देख लें आज कि सरकार जो ये आई है, सरकार की जो शुरुआत हुई है, अब हम देख लें इससे शुरुआत क्या करी है इसने, जुल्म से, जास्ती से, फसाद से, बिगाड़ से, सारे काम हम देख रहे हैं, है नहीं? तो ये हमारे क्या है, कर्मों का फल। अल्लाह की बगैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, याद रखना। अला कुल्ली सईन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, हर चीज़ अल्लाह हर जगह अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है, हर जगह और नाजिर देखने वाला, हर चीज़ को हर समय देखता है, याद रखना। कोई चीज़ अल्लाह के निगाह से बाहर नहीं है। अल हय्युल कय्यूम, सारी कायनात की व्यवस्था को उसी ने संभाल रखा है और वो ज़िंदा है, याद रखें इस चीज़ को। तो अब हम देख रहे हैं जो जिनका धर्म जुल्म करना है और जिनका धर्म फसाद फैलाना है, कर्मों से इंसान के का मालूम पड़ जाता है कौन इंसान कैसा है। बुरा इंसान अपने शरीर के अंगों से बुरे कर्म करके सामने वाले को ये दिखा देता है कि मैं बुरा हूँ। आज इस सरकार ने बुरे कर्म करके पूरे देश के इंसानों को ये दिखा दिया है कि हम बुरे हैं और हमारा धर्म भी सही नहीं है। जो धर्म जुल्म फैलाए वो धर्म सही है नहीं, सब लोग जान चुके हैं और समझ चुके हैं, तो लिहाजा ये लोग खुल के सामने आ चुके हैं। जब जुल्म सामने खुल के आ जाए आवाम में, तो फिर जुल्म बच जाएगा नहीं बचेगा, कुछ दिन चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक मुसलमान जागता नहीं है। तो इस सरकार से ये फ़ायदा है कि मुसलमान को जागने का मौका मिलेगा, मुसलमान जागेगा, और इंशाल्लाह मुसलमान जागेगा तो मुसलमान ही फिर जुल्म को मिटाएगा, याद रखना। ये कौम मरी हुई वैसी कौम नहीं है, ये सो गई है कौम। मुसलमान शेर है क्योंकि ये सच्चाई के सच्चाई को जानता है, और इसके लिए फ़ायदा है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जो जुल्म को मिटाएगा और धर्म युद्ध करेगा तो क्या होगा कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा। जब प्यार मोहब्बत से जुल्म को मिटाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब धर्म युद्ध होता है, उसे कहते हैं जिहाद किताल। धरती पे फसाद को रोकने का नाम जिहाद है, याद रखें। तो अभी ये कौम इंशाल्लाह जागेगी, और इस बड़ा फ़ायदा हुआ है इस कौम को जागने का, और अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं, इंशाल्लाह जागेंगे वो लोग। तो जब तक ये जाग जाएंगे, जब तक इस सरकार का जुल्म चलेगा, याद रखें हम इस चीज़ को। और ये जो स्कीम सोच रहे हैं ना कि जो है मुसलमानों को देश से बाहर निकालेंगे, ये तो शेख चुल्ली की सोच है। इतनी बड़ी पब्लिक को हैं शेख चुल्ली की तरह सोचना है? ये कहते ना कि बेवकूफ़ शेख चुल्ली, कि इतनी बड़ी पब्लिक को निकालने की बात कर रहा है, अपनी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा ना है। ये कुछ समय के बाद दुनिया छोड़ छोड़ कर मर मर कर यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे, और ये दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जालिम जैसे इन्हें कभी मौत ना आएगी, दुनिया में हमेशा रहना हो, और इन्हें यह पता नहीं है हमारा पैदा करने वाला हमारे कर्मों को नोट करा रहा है, उसने हमें ढील दे दी है, हम अल्लाह की ढील को अपनी ताकत समझ रहे हैं। हैं अल्लाह ताला क्या कर रहा है, ज़िंदगी का समय पूरा करा रहा है और कर्मों के इकट्ठे कर रहा है ताकि और खुल के बुराई कर लें, ताकि इनका कर्मों का भरपूर बदला नरक की आग में मिले इन्हें। हैं हाँ, तो इसलिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आज मुसलमान कौम जागेगी, जब जागेगी तो अपने दीन पर खड़ी होगी। और आज नेट का ज़माना है, हम देख रहे हैं माशाल्लाह कि इंटरनेट पर यूट्यूब पर जो है इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, और लोग इस्लाम को जो है सर्च कर रहे हैं जितना, क्योंकि शैतान की साजिश है ना, शैतान की साजिश यही है कि अल्लाह का सच्चा धर्म इस्लाम है, इस्लाम है।
क्योंकि और धर्मों के अंदर हम देखें सजावट हैं, बनावट हैं, मूर्तियों की, अलग अलग चीज़ों की, वो दिखने वाली चीज़ें हैं। इस्लाम में कोई चीज़ दिखने वाली है ही नहीं, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं है नहीं। और जो हमारे मुसलमान भाई भटक गए हैं, जो कबर पूजा कर रहे हैं, वो भी समझेंगे इंशाल्लाह, वो भी होश में आएंगे। हैं तो अल्लाह जो संसार का सच्चा मालिक है, सब कुछ देकर अपने आप को छुपा लिया उसने, और उसका सच्चा धर्म इस्लाम है कि वो निराकार है, उसके सामने नमाज पढ़ो, समझे? सच्चा धर्म इस्लाम है। तो इसलिए हम समझें इस चीज़ को, गौर करें। तो अब आप देख नहीं रहे कि बार बार ये इस्लाम को बना रहे हैं निशाना, और वीडियो में देखा गया कि मेरठ में जो है पुलिस वाले कह रहे हैं मुसलमानों से, अब तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। हैं? या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। ये लोग कितने अकल के अंधे हैं, ये सच्चाई से कितने अंधे हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। ये भूल रहे हैं धरती अल्लाह की है, देशभक्ति मत कर। जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे पैदा किया है, अभी भी होश में आ, उसकी भक्ति कर। गाय की भक्ति ना कर, जिसने तुझे पैदा किया उसकी भक्ति कर, वरना नरक की आग में तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। मरने की देर है बस, फिर हाय हाय के सिवा कुछ ना बचेगा, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल कर और सही ज्ञान को पहचान, भटकने से बच जा, अब भी वक्त है। और क्या झूठ बोलते हैं सफ़ेद झूठ कि हिंदुस्तान का मुसलमान नारे लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ऐसे नारे लगा ही नहीं सकता है, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये खुद सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और ये खुद झूठ गढ़कर इस्लाम मुसलमानों पर चिपकाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। क्योंकि शैतान को नफरत किससे है? जो सच्चा इंसान हो, अल्लाह को मानने वाला, जो सच्चा धर्म हो, उससे नफरत होती शैतान को। तो शैतान ने साजिश खेली कि मुसलमानों के खिलाफ इनको तबाह किया जाए, इस्लाम धर्म को बर्बाद किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला शैतान की तदबीर को उल्टा कर देता है। हमेशा याद रखना, ये कुफ्र और इस्लाम की जंग कोई नई बात नहीं है, ये चली आ रही है शुरू से ही, याद रखना। इसलिए अल्लाह ताला इस शैतान की जंग को, इस शैतान की तदबीर को, इसकी स्कीम को, इस पर उल्टा करेगा कुछ समय की देर, देखना तुम इंशाल्लाह क्या होगा। तो इसलिए हम समझें इस बात को। और मैं उन मुसलमानों से कहता हूँ जो अभी भी सोए हुए हैं, कब जागोगे तुम? अगर तुमने अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगाया तो याद रखना, अल्लाह ताला दुनिया बखेरने वाला है, और दुनिया ऐसी बखेरेगा कि तुम कहीं के ना रहोगे फिर, ना दुनिया के ना आखिरत के। इसलिए जागो और होश में आओ। और मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो में देखें और जागें कि मुसलमान इंशाल्लाह जाग रहा है। और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि मुसलमानों तक बात पहुँचे और वो जागें और वो होश में आएँ, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जुल्म को मिटाएँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थोड़ा थोड़ी है, अब मुसलमान बहुत मुसलमान है। पहले मुसलमान कम थे, अब मुसलमान बहुत है। एक इंसान एक पत्थर अगर कुत्तों के घेरे में मारता है, कुत्तों का झुंड हो, एक इंसान एक पत्थर उठाकर अगर कुत्तों को झुंड में मारता है तो कुत्ते भाग जाते हैं वहां से, है कि नहीं? लेकिन वही इंसान वही पत्थर लेकर अगर डंगारा मुहाल में मारे, मधुमक्खी मुहाल में मारे, तो वो छोड़ देंगी उसको? हाँ, क्यों? क्या वजह है? कुत्तों की संख्या कम थी और मुहाल की संख्या ज्यादा है। इसलिए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए वो जागें और वो होश में आएं, और लोगों को बताएं कि जालिमों, हम जुल्म को मिटाने वाले हैं, जो जो संसार का सच्चा मालिक है, हम उसके हुक्म पर चलने वाले हैं। और उसका हुक्म यह है, धरती पर जुल्म को मिटाओ, जास्ती को मिटाओ, अमन और शांति कायम करो, और जालिमों को मिटाओ। इसलिए भाई जागें और इस वीडियो को जो है पूरा देखें, अल्लाह के लिए अपना समय दें, हमारे चैनल को देखें भाई, अल्लाह का इल्म हासिल करें, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं, हमारे चैनल के अंदर जाकर सारी वीडियो को देखें ताकि अल्लाह का इल्म हासिल हो, अंधेरे से निकलकर अल्लाह की जो भेजा है अल्लाह ने आसमान पर से अपना इल्म कुरान, उसकी रोशनी में आएँ, जल्दी होश में आएँ। ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, अपना ईमान बनाएं और जहन्नुम से बचें और जन्नत कमाएं। दुनिया एक बाजार है जो अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है, जन्नत कमा किया या जहन्नुम कमा किया। और भाई मेहरबानी करके जिस अल्लाह ने जीवन दिया है और इसी मकसद के लिए दिया कि मेरा बंदा खोज करके मुझे राज़ी करके आए, तो जिस अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, सब कुछ दिया है, वक्त दिया है, कम से कम भाई इस
इस वक्त को अल्लाह के लिए लगाएं भाई। वीडियो हमारे चैनल में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबको देखें। और जो लोग हमारी वीडियो को व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप यूट्यूब पर सर्च करें इस्लामिक स्टडीज़, ISLAMIC STUDIES, इस्लामिक स्टडीज़ सर्च करें तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा इंशाल्लाह। गोल्ड प्लेट में हरा पीला रंग है, उस पर लिखा हुआ है इस्लामिक स्टडीज़, उसके अंदर जाकर सारी वीडियो को देखें भाई, और जल्दी अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं। अक्सर लोग कहते हैं मुझसे कि भाई वीडियो छोटी बनाएं छोटी। अरे भाई, जिस अल्लाह ने ज़िंदगी दी है क्या उसके लिए कुछ वक्त ना दोगे आप? जहन्नुम से बचने के लिए कुछ ही मेहनत ना करोगे? हमेशा का जीवन हासिल करने के लिए, जन्नत का जीवन हासिल करने के लिए अल्लाह का इतना भी टाइम नहीं दोगे अल्लाह के लिए आप? तो कुछ तो शर्म करें, कुछ तो हया करें, अल्लाह के दीन के लिए कुछ तो वक्त दें कम से कम। छोटी सी वीडियो में कितना इल्म देंगे हम, कितने इल्म की बात कर लेंगे? इसलिए लंबी वीडियो में तफसीर से बात की जाती है ताकि इंसान को सही इंसान का जहन बने, उसको बात समझ में आए और उसका दिल दिमाग पलटे और होश में आए। तो भाई ये वीडियो एंड तक पूरी देखना, इंशाल्लाह इसको देखने से हमारा जहन बनेगा और हमारी सोच बदलेगी और इंशाल्लाह ईमान बनेगा। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वआखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई चलते चलते एंड में मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद का मसला हो या किस चीज़ का मसला हो, बाबरी मस्जिद से भी जो है शैतान ने यही चाहा था कि धरती पे कत्ल गारत फैले, लेकिन मुसलमान सब्र कर गए, अच्छा हुआ, धरती पे अमन अमान कायम रखा। तो इसलिए शैतान की साजिश को समझें और अल्लाह के दीन की तरफ जल्दी जागें और अल्लाह से माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह ताला हमें जो है जुल्म जास्ती से बचाए और धरती पे फसाद होने से बचाए। और भाई गौर फिक्र करें, सोचो विचार करें। मसाइल कितने भी हो ताकत रह नहीं सकते, मसाइल कितने भी हो ताकत रह नहीं सकते, और ये जालिम जुल्म की बनकर अलाम रह नहीं सकते। और वो जिनका अज़्म है, वो जिनका अज़्म है कि हमको चैन से रहने नहीं देंगे, वो ये भी जान ले खुद भी सलामत रह नहीं सकते। होना तो घर को तो रहे, तो अब ये इनसे विकास हुआ नहीं मौलाना, मौलाना इनसे विकास हुआ नहीं, रोको रोको इतना, इनसे विकास हुआ नहीं। अरे बेवकूफ की औलाद सुन, अरे पागल की औलाद सुन, मेरा मन तो इस वक्त जल रहा है। जमीयत उलमा चाहती है कि राष्ट्रीय एकता और अमन का पैगाम देकर मुल्क की जल्दी आपको बुझाया जाए। आज मेरे मुल्क में क्या हाल हो गया कि हैदराबाद में
मेरी बेटी मेरी बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप किया गया और दरिंदों ने वहां भी बस्ती किया, बल्कि उन दरिंदों ने उस डॉक्टर प्रियंका को पेट्रोल डालकर चलाया। अरे 2013 और 14 में तुम नारा लगा रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे तुम्हारी 2014 से 19 तक के जितना मेरी बेटियों का हमारी बहनों का रेप हुआ है, इससे पहले कभी इतना रेप इस मुल्क में हुआ नहीं था। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है सवाल भाई कि शायद उन्होंने अपन समझे नहीं गए। उन्होंने बोले थे 2013 में हम आ रहे बेटा बचाना, हम आ रहे बेटा बचाना, और अभी भी जितने अंदर सड़ रहे वो सब इनसे कनेक्शन वाले हैं, रेप में जितने सर रहे। अरे मोदी इस मुल्क में रेप हो रहा है, मेरी बेटियों की मेरी बहनों की हिफाजत की बात कर। अरे आज तुम्हारी हुकूमत ने पढ़ने वालों को भी इस तरीके से तुम जामिया मिल्लिया में मार रहे हो, अलीगढ़ में मार रहे हो, नदवा में मार रहे हो, जोबन में मार रहे हो, लेकिन सुन ले जाहिल, ये पढ़ने वाली कौम है, ये पीछे हटने वाली कौम। ये पढ़ने वालों को क्यों मार रहे मालूम? इनको मालूम है ना? इनको ये मालूम है कि पढ़े ना तो फिर ये रोड पे आएगा, है ना? अच्छा इनके पास में डिग्रिया है नहीं। एक इंटरव्यू उनका बड़ी मुश्किल से मिला मुझे कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं 10वीं भी पास है नहीं। मैं समझता हूँ मौलाना इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती कि जो शख्स 10वीं पास भी है हमने उसके हाथ में पूरे मुल्क को दे दिया है। मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ कि ये हमारी बदनसीबी है खुदा के वास्ते। अब मुल्क को बदलो, मुल्क के हालात को बदलो, और यहां तक के डरने की बात करते मैं कहूंगा कि सुन ले मोदी हम वो कौम है, ए भाई एक मिनट, सुन ले मोदी हम वो कौम है कि जो नली में तो गूदा नहीं छोड़ते थे हिंदुस्तान में। प्यार का पैगाम दे रही है, जमीयत उलमा तहफ्फुज़ जमहूरियत की बात कर रही है, जमीयत उलमा तहफ्फुज़ दस्तूर की बात कर रही है, जमीयत उलमा मुल्क की हिफाजत की बात कर रही है। इसलिए आज ये जलसा जमीयत उलमा ने दिया, और मैं देख रहा हूं कि जहां जहां निगाहें जा रही है लोग यहां पर मौजूद है। आखिरी पैगाम मैं ये दूंगा कि मेरे यारो ट्रेन की पटरियां तोड़ना हमारा काम नहीं, बहुत अच्छे मेरे यारो, बसों को आग लगाना हमारा काम नहीं। मेरे यारो हम जिस धर्म के मानने वाले हैं वो धर्म हमको किसी बेकसूर को सताने की इजाजत नहीं देता। और मोदी जी कहते हैं कि वो पटरियां तोड़ने वाले वो डब्बों में आग लगाने वाले कौन है ड्रेस से पहचान लो, तो हम मोदी से कहते हैं कि हम तो तेरे थोबड़े से पहचान रहे कि तू कौन है। कौम है हम शांति वाली कौम है। और याद रखो परसों मैंने एक बात कही कि ट्रेन की पटरियों मत तोड़ो, बसों में आग मत लगाओ, क्योंकि नुकसान कोई मोदी और अमित के बाप का नहीं हो रहा, यह हमारी प्रॉपर्टी है। ये बसों को आग लगाने से और ट्रेनों को आग लगाने से नुकसान कोई अमित और मोदी के बाप का नहीं हो रहा, ये तो ज्यादा अगर तुम आ गए तो ये सीधा विजय माल्या के साथ में हाँ जाएंगे, इसलिए नुकसान हमारा होगा। और आखिर बात देखने को बहुत बड़ा मजमा है, मैं सबसे पहले मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम करता हूं कि यहां की पुलिस दिल्ली जैसी नहीं है। मुलाकात करा तो मैं जब ही समझ गया कि बहुत अच्छा इंसान है, लाठियां नहीं बरसाएगा। तो मैं मेरी धुलिया की पुलिस को सलाम करता हूं, लेकिन आपको अपील करता हूं कि देखो इतना अच्छा मजमा आ गया, इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया, अब शैतान कोशिश करेगा कि काया होना, तो अपने को शैतान को कामयाब होने नहीं देना, शैतान को नफरत फैलाने का मौका नहीं देना। और जैसे सोपाल भाई ने कहा कि हमारा झगड़ा किसी धर्म वाले से नहीं है, हमारा झगड़ा डायरेक्ट हिटलर से, हमारा झगड़ा इससे डायरेक्ट हिटलर से है, डायरेक्ट तानाशाह से है। लेकिन हिटलर और तानाशाह भी समझ गया कि बेटा अब ज्यादा दिनों तक मामला चलने वाला नहीं है।
बोलना अच्छे दिन आने वाले नहीं है। अब देखो इस मुल्क में 2014 से बड़े बुरे दिन चल रहे थे, कुछ नहीं करे हमको लड़वा रहे, तो अब मेरे साथ कहना कि बुरे दिन जाने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अमित शाह जाने वाला है, मोदी जाने वाला है, योगी आदित्यनाथ जाने वाला है, मुल्क के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं आखिर में शकील साहब, मैं आखिर में सर, मैं मोदी का शुक्रिया अदा करता, अमित शाह का शुक्रिया अदा करता कि अगर वो बागल बावले चाले नहीं करता तो अपन जागते नहीं, उसने हमको जगा के उल्टा, अरे बोलो, बेदार कर दिया, इसलिए अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जितने लोग ये मुगलई वाले जितने भी बच्चे हैं, नौजवान साथी है और जो इधर उधर जाने वाले हैं, मैं देवपुर वाले, मैं मेरे मुगलई के जवानों से, मेरे देवपुर के जवानों से कहूंगा कि प्यारे बच्चों, हम किसके मानने वाले हैं? अल्लाह के। हम नबी के मानने वाले हैं, हम अमन के पैगाम के मानने वाले हैं, हम शांति के मानने वाले हैं, हम किसी शैतान को नफरतें फैलाने का मौका नहीं देंगे, शांति से जाएंगे इंशाल्लाह। जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. एक्सरसाइज जिस्म को फिट रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उम्मत मुस्लिमा के जितने जय्यद लोग गुजरे हैं वो अपने जिस्म को अल्हम्दुलिल्लाह फिट रखा करते थे। हालात से, माहौल से निपटने के लिए
اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے. آج امت مسلمہ کا کانسنٹریشن کھانے پہ کپڑوں پہ بہت ہے لیکن جسم کی تیاری پر نہیں ہے. میری گزارش اب اس پر کانسنٹریشن دیجیے. مائی ریکویسٹ کانسنٹریٹ آن اے ہیلدی مائنڈ اینڈ ہیلدی باڈی. فار دیٹ نماز ٹائم پر اور تھوڑی سی ایکسرسائز روزانہ کوشش کریے کرتے رہیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں. ساتھ میں دیش کا اور دنیا کا ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ہمارے پاس سچویشن کبھی بھی بگڑ رہی ہے اور لوگ جان پر عزتوں پر حملے کر رہے ہیں. ان حالات میں ہمیں اپنے سیلف ڈیفنس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو روزانہ کیوں نہ ہو اپنے ٹیرس پر جا کر تھوڑی سی ایکسرسائز اور تھوڑی سی ڈیفنس کے لیے اپنے اپنے بچوں کو ضرور ٹریننگ دے, مینٹلی تیار رہیں. نمازوں کی پابندی روح کے لیے لازم. نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت, حدیث کی تلاوت روح کے لیے تازگی کے لیے لازم, دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے لازم لازم. ویسے ہی ہمیں فزیکل فٹنس بھی ضروری ہے. آئیے تھوڑا سا میرے ساتھ جوائن کریے اور انشاءاللہ روزانہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں گے انشاءاللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے والے کو احساس دلاتی ہے امت مسلمہ سوئی بھی نہیں ہے, جاگی بھی ہے, دیش اور دنیا کی حفاظت کے لیے تیار ہے, معصوموں کی حفاظت کے لیے تیار ہے انشاءاللہ.